और जब मुझे पता चला कि मुझे 100% आए तो फिर मुझे तो ऐसा लगता है कि ऑनलाइन नहीं होता तो मेरे 100% आते ही नहीं। आपने बताया था टेस्ट सीरीज वाज वेरी हेल्पफुल जो हमने लिया था, राइट? पूरा सिलेबस आपका कब तक कवर हो गया था? प्लानिंग का क्या इंपॉर्टेंस है और कंसिस्टेंसी का क्या इंपॉर्टेंस है, कि टॉपर्स का सीक्रेट मंत्र क्या होता है? इस वीडियो में संस्कृति आपके साथ शेयर करेगी कि किस तरीके से उन्होंने 100% तक मार्क्स स्कोर किया, क्या थी उनकी स्ट्रेटेजी, किस तरीके से वो अपनी पढ़ाई करते थे, कितना रिवीजन किया, कितने सैंपल पेपर सॉल्व किए, क्या इंपॉर्टेंस होता है आर्ट या फिर मार्शल आर्ट या फिर कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी का, अगर हमें 100% जितना स्कोर करना है तो किस तरीके से रिवीजन करना चाहिए, कैसे मोटिवेटेड रहे और कैसे अपने गोल से बिल्कुल ना भटे, डिसिप्लिन रहे, कंसिस्टेंट कैसे रहे, दुनिया भर की बातें हमने की है। ये सारे क्वेश्चंस आपने पूछा था मुझसे, ठीक है, आप जैसे 10th के बच्चों ने मुझसे पूछा था उन्हीं क्वेश्चंस को मैं संस्कृति के साथ पूछने वाला हूं। एंड आप ये वीडियो पूरा देखना और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना अगर आपका भी टारगेट है बहुत अच्छे परसेंटेज स्कोर करना। सो हियर द इंटरव्यू गोज ऑन। हेलो संस्कृति, हाउ आर यू? एंड हाय सर, आई एम फाइन। तो माय डियर सुपर लर्नर्स, ये है संस्कृति एंड संस्कृति ने अपने बोर्ड एग्जाम में जो कि अभी हुआ था महाराष्ट्र बोर्ड के लिए 100% स्कोर किया है। सो संस्कृति कैसा लग रहा है आपको, लाइक 100% स्कोर? बहुत अच्छा फील हो रहा है। मुझे इतने मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था मुझे 100% आएंगे। अराउंड मैंने 96-97% गेस किया था और जब मुझे पता चला कि मुझे 100% आए तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। यस, वाह। सो लाइक आपको जब आप एग्जाम दे रहे थे या फिर जब आप प्रिपेयर कर रहे थे तो वाज इट इन प्लान, क्या आपका टारगेट परसेंटेज क्या था कि कितना परसेंट स्कोर करना है? हमारे स्कूल में हर साल 100% का एक तो बच्चा होता ही है। wow. तो अराउंड मैंने 6th क्लास में स्कूल ज्वाइन किया था तो मेरा 6th क्लास से डिसाइड किया था मैंने कि मुझे भी 10th में 100% लाना है। तो मैंने 10th की स्टार्टिंग से ही प्रिपरेशन परसेंट आए, आई ट्राई माय बेस्ट। ग्रेट। एंड लाइक आपने जो सोचा था वो हो गया। ओके okay? यस अच्छा संस्कृति, अक्सर ना जो लर्नर्स होते हैं या फिर कई बार जो पेरेंट्स होते हैं वो इस बात को ना मानते नहीं है कि कोई 100% भी स्कोर कर सकता है। अब आप जैसा कह रहे हो कि yes. आपके स्कूल में हर साल ऐसा कोई ना कोई जरूर रहता है जो 100% स्कोर कर रहा था, ठीक है, तो yes. आपको क्या लगता है कि जो बच्चे 100% स्कोर करते हैं, क्योंकि लैंग्वेजेस भी पेपर है, राइट? मराठी yes. देना है, हिंदी देना है, किसी को संस्कृत देना है, आपको संस्कृत था शायद, राइट? यस यस, संस्कृत देना है, इंग्लिश देना है, तो लैंग्वेजेस में नंबर कटते हैं, राइट? आउट ऑफ नहीं मिलता। ओके तो आपको क्या लगता है कि किस कारण से कोई बच्चा 100% स्कोर कर पाता और आपका रीजन क्या है? आई थिंक हमने सब सब सब्जेक्ट्स का अच्छे से स्टडी करना चाहिए और मुझे लैंग्वेजेस में कम ही मार्क्स थे। अराउंड मेरे 3-4 मार्क्स कट हुए थे लैंग्वेजेस में। तो ओके फिर मेरे एडिशनल स्पोर्ट्स के मार्क्स थे, इसकी वजह से मुझे 100% आया था। तो फिर मेरा ऐसा मानना रहेगा कि बच्चों ने कोई आर्ट्स या फिर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए तो फिर आपको एडिशनल मार्क्स मिल जाएंगे और आपका 100% स्कोर हो जाएगा। बिल्कुल सही। आप कौन सा स्पोर्ट्स खेलते थे? मैं सिकाई मार्शल आर्ट खेलती थी। दैट्स ग्रेट। अच्छा अब कुछ क्वेश्चन जो बच्चों ने पूछा है, पहले हम उन क्वेश्चंस को देखेंगे, बाद में जर्नी में जाएंगे, धीरे धीरे मिक्स करके चलेंगे। तो आप बचपन से ही पढ़ाई में ऐसे टॉपर टाइप थे, मतलब बचपन से ही टॉपर? हाँ, बचपन से ही थी मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही टॉपर रही थी और मैंने बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए थे। सेकेंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड से स्टेट लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स थे तो मैं हर साल स्टेट लेवल पे आती थी। अराउंड 6th या 7th रैंक आता था मेरा स्टेट लेवल पे और मैं स्कॉलरशिप होल्डर हूँ 8वीं में और 5th स्टैंडर्ड में भी मुझे स्कॉलरशिप मिली थी। नवोदय को भी मेरा सिलेक्शन हुआ था 5th में। तो बट आप फिर गए आप नहीं, पहले से ही थे? यस, आप बट नवोदय को गए पहले से ही नहीं, टॉप। नहीं, नवोदय नहीं नवोदय गई मैं। ओके गॉट इट। तो मेरे मेरे डैडी का ट्रांसफर हुआ था इसलिए मैं नवोदय नहीं गई थी। ओके आई गॉट इट। आपके डैडी क्या करते हैं? माय फादर इज टीचर। वो भी टीचर है? अरे यस, वाह। टीचर है। तो अभी जैसा आप बता रहे हो आप टॉपर हो, तो ऑब्वियसली आपको दो चीजों के बारे में पता है, राइट? कि आपको क्या लगता है, जो भी लोग पढ़ते हैं, लोग अक्सर क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं, राइट? प्लान को फॉलो नहीं कर पाते, मतलब कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि स्टार्टिंग से पढ़ने का क्या इंपॉर्टेंस है, प्लानिंग का क्या इंपॉर्टेंस है और कंसिस्टेंसी का क्या इंपॉर्टेंस है?
इसलिए मुझे 10th स्टैंडर्ड में ऐसा कुछ बोझ, पढ़ाई का बोझ वगैरह नहीं फील हुआ था कंसिस्टेंसी के। इसलिए मुझे 10th स्टैंडर्ड बहुत इजी गया। मतलब पढ़ाई करना बहुत इजी जाता है, इसलिए मेरा मानना यह है कि सब लोगों ने प्लान किया चाहिए, प्लान के हिसाब से उसे उस प्लान को फॉलो किया जाना समझ चाहिए, तो गए। फिर आपको इजी जाएगा लर्निंग, इजी जाएगा आपको मार्क्स स्कोर करना बहुत इजी जाएगा। बट लाइक कभी आपके साथ ऐसा हुआ संस्कृति कि आपने जो प्लान बनाया है वो प्लान बाद में फॉलो नहीं कर पाए और फिर एक नया प्लान बनाना पड़ता है? हर बार कि मेरा होता प्लान कभी भी फॉलो नहीं कर पाती थी, इसलिए मुझे हर बार प्लान चेंज करना पड़ता था। अराउंड में वीक 1 वीक या 2 वीक्स ही उसे फॉलो कर सकती थी, उसके बाद मुझे चेंज ही करना पड़ता था। दैट्स अ बिग नंबर, ऐसा कोई इवन नहीं इवन है टू कि बिग, मैं फॉलो कर दैट्स यस गुड दैट्स गुड। सो पॉइंट मतलब यहाँ पे मैं ये सभी लोगों को बताना चाहूंगा जो लोग भी इस इंटरव्यू को देख रहे हैं कि आप जब भी एक प्लान बनाओगे ना, जरूरी नहीं है कि आपने जो प्लान बनाया वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक फॉलो ही हो, कुछ दिनों बाद वो प्लान एक्सपायर हो जाएगा एंड आपको एक नया प्लान बनाना ही पड़ेगा। तो इसमें कुछ गलत नहीं है, एक नया प्लान बनाना बिल्कुल गलत नहीं होता, बना सकते हो। संस्कृति ने बनाया था, इट्स गुड, फैंटास्टिक, राइट। संस्कृति, पूरा सिलेबस आपका कब तक कवर हो गया था? तक कवर हो गया था स्कूल में। ओके क्योंकि हमारे 9th में ही हमारे वैकेशन स्टार्ट किए थे उन्होंने 10th के लिए, क्योंकि उन्हें लगता था कि कोरोना आएगा तो बच्चों का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, इसलिए उन्होंने फरवरी से ही वैकेशन स्टार्ट किए थे। इसलिए ओके, हमारा सिलेबस अराउंड दिसंबर के आसपास खत्म हो गया था, दिसंबर। दिसंबर तक हो गया। तो फिर आपने दिसंबर में एक बार आपका पूरा सिलेबस करके हो गया था, उसके बाद यस आपका क्या स्ट्रेटेजी था, मतलब टेस्ट कैसे दिया? और आपने बताया था टेस्ट सीरीज वाज वेरी हेल्पफुल जो हमने लिया था, राइट? अरे टेस्ट कैसे हेल्पफुल थे, साथ ही साथ मतलब व्हाट वाज द स्ट्रेटेजी एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाने के बाद? हमारा दिसंबर में सिलेबस खत्म हो गया, उसके बाद हमारा 20 दिसंबर को हमारा पहला प्रैक्टिस प्रैक्टिस पेपर्स थे। तो फिर मैंने क्या किया था, मैंने उस प्रैक्टिस पेपर पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था, ओके के मैंने पूरा सिलेबस खत्म कर लिया था उसी हुँ, वक्त। मैं क्या करती थी कि वैकेशंस खत्म हो गए तो वैकेशंस के पेपर्स होते थे, उसके बाद ओके कोई यूनिट टेस्ट होता था तो मैं पूरा सिलेबस करके ही जाती थी, यूनिट टेस्ट के लिए पूरा सिलेबस करके जाते। इसीलिए मेरा क्या हुआ, प्रैक्टिस पेपर्स जो थे प्री बोर्ड्स, उसके उसके लिए मैंने जो न्यू चैप्टर्स है वही किए। उसके बाद हमारे प्रैक्टिस प्री बोर्ड्स हो गए पहले, फिर अराउंड 20 जनवरी को हमारा सेकेंड प्रैक्टिस पेपर्स थे, तो फिर उसी के लिए मैंने पूरा सिलेबस कर लिया था। उसके बाद मैं क्या करती थी, हमको छुट्टियां लग गई थी, जो हमारे सेकंड प्रैक्टिस पेपर्स हो गए तो हमको छुट्टियां लगी थी, तो फिर उन छुट्टियों में मैंने क्या किया, पहले चैप्टर्स से ऑल चैप्टर्स को एक बार रिवीजन कर लिया। फिर मैंने नोट्स बनाए, और जो टेक्स्ट बुक में हाईलाइट्स किया, साइंस के टेक्स्ट बुक ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, अराउंड मैंने 5 to 6 times टेक्स्ट बुक पढ़े थे प्रिपरेशन के लिए। तो फिर रिवीजन और प्रैक्टिस पेपर्स, फरवरी में ही मैंने प्रैक्टिस पेपर्स सॉल्व करना शुरू किया था। तो फिर मैंने अराउंड 30 पेपर्स किए थे मैथ्स के, और 10 पेपर साइंस के किए थे। तो फिर ऐसा ही किया था, फरवरी में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पेपर्स सॉल्व किए थे मैंने। सो द की ये जो मैं समझ पा रहा हूँ कि अगर जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, जैसे आपका दिसंबर में हो गया था, और मैं तो मेरे जो बैचेस होते हैं राइट, उसमें मैं अक्सर कोशिश करता हूँ, जो मेन बैच होता है जो स्टार्टिंग टू एंड तक होता है राइट, उसमें मैं अक्सर कोशिश करता हूँ कि अक्टूबर तक सिलेबस खत्म हो जाए राइट, कि अगर अक्टूबर तक सिलेबस खत्म हो जाता है तो हमें नवंबर दिसंबर जनवरी फेब 4 महीना मिलता है जिसमें बहुत सारे टेस्ट लिए जा सकते हैं। कमिंग टुवर्ड द टेस्ट, टेस्ट से मुझे याद आया कि टेस्ट सीरीज कैसे हेल्पफुल था आपके लिए? बहुत ज्यादा हेल्पफुल था। मेरे क्या हुआ था, मैंने साइंस की प्रिपरेशन इतनी ज्यादा नहीं की थी, सिर्फ लोन एक्सरसाइज क्वेश्चंस करती थी कर रहे थे और आप? उसके बाद हो गया, नहीं हाँ इतना ही साइंस की प्रिपरेशन। तो फिर आपकी टेस्ट सीरीज में एमसीक्यूज थे राइट, तो बिल्कुल फिर मैंने क्या किया, मैं पूरा चैप्टर पढ़ती थी, एक बार दो बार 3 बार पढ़ती थी, और उसके बाद वो सारे एमसीक्यूज करती थी, तो मेरा वो लाइन टू लाइन सब कुछ कवर हो जाता था आपकी एमसीक्यूज से। और आपके एमसीक्यूज इतने हेल्पफुल रहे मुझे कि मेरा पूरा टेक्स्ट बुक है जैसे राइट याद जोन, हो गया, हाँ लर्न एग्जैक्टली हो गया था पूरा। इस पेज पे ये लाइन है, ये इस लाइन में ये क्वेश्चन आ सकता है, राइट, ये पूरे एमसीक्यू हो गए थे मेरे ऐसे। एग्जैक्टली। हमने भी जो टेस्ट सीरीज है ना उसको इस तरीके से डिजाइन किया कि हर टॉपिक से क्वेश्चंस हो राइट, और मैक्सिमम क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं,
कि अगर कोई बच्चा चैप्टर पढ़ ले रहा है तो उसका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगा पूरा, उसको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मुझे आता है। एक्चुअली क्या होता है ना, जब हम पढ़ लेते हैं तो हो जाता है, लेकिन जब हम पेपर सॉल्व करते हैं ना, जब रिजल्ट हमारे सामने होता है ना कि 10 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, 5 सही है 5 गलत है, तो हमें पता चल जाता है अच्छा मैं कितना पढ़ाई हो गया है, कर लिया और हो गया, दोनों में अक्सर अंतर होता है। आई कैन अंडरस्टैंड। एंड आपका साइंस में स्कोर भी मैं देख पा रहा हूँ 98 है। वैसे मैं संस्कृति का जो मार्कशीट है वो एक बार डिस्प्ले कर दूंगा, एंड जस्ट टू वेरीफाई आप लोगों के लिए, संस्कृति का सीट नंबर और मदर ने मेंशन होगा तो आप जाकर के खुद भी चेक कर सकते हो। ठीक है, कहते हैं विक्ट्री इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ ब्रिलियंस, इट इज द क्राउन फॉर दोज हु बो देमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ हार्ड वर्क एंड कॉन्फिडेंस। मतलब जो इंसान अच्छे नंबर ला रहा है ना, उसकी प्रॉपर्टी नहीं है वो, उसका कॉपीराइट नहीं है कि वही लेके आएगा किसी टॉपर का, ये तो उसके सर का ताज है जो अपने आप को हार्डवर्क के सामने और अपने कॉन्फिडेंस सेल्फ कॉन्फिडेंस के सामने झोंक देता है, सब्र करता है, पढ़ता चला जाता है। एंड लर्नर्स, रिजल्ट्स प्रोड्यूस करना कोई बड़ी बात नहीं, आप बहुत आसानी से बहुत अच्छे रिजल्ट ला सकते हो, 100% 95% 90% 85% 80%। आप ज्वाइन कर सकते हो इसके लिए हमारे आरंभ 2.0 को। आरंभ बैच का जो पहला बैच था उसमें सुपर रिजल्ट आया है, आप देख ही सकते हो। लर्नर्स, इन बैच में हम सेमी इंग्लिश और इंग्लिश मीडियम के बच्चों को पढ़ाते हैं, ये सारे टीचर्स हैं, वी आर टीचिंग ऑल द सब्जेक्ट्स। इस तरीके से टॉपर्स के साथ हम मीटिंग भी कराते रहते हैं, जिसमें बच्चे टॉपर से डायरेक्टली अपने क्वेश्चन पूछ पाते हैं और अपने क्वेरीज को क्लियर कर पाते हैं, जो भी हमारे आरम बैच के बच्चे होते हैं। आरम 2.0 बैच ज्वाइन कर लो, फुल ईयर बैच है, सारे सब्जेक्ट्स इसमें इंक्लूडेड है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता देता हूँ उसके बारे में कि ये हमारी पूरी टीम है, नीलिमा रॉय मैम, कोमल दीक्षित मैम, फरीन मैम, योगेश सर, चंद्रशेखर सर, शुभम झा, मैं खुद, ठीक है। और यहाँ पे सेम इंग्लिश मीडियम को सोशल स्टडी मराठी में पढ़ाया जाता है और इंग्लिश मीडियम वालों को इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, बाकी सब सेम ही है ऑलमोस्ट, ठीक है। लर्नर्स, सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, इतने सारे टीचर्स हैं, डेली लाइव क्लासेस होंगे, डेली 2 क्लासेस होंगी, एक 7:45 to 8:45 PM शाम को, दूसरा 9 से 10 शाम को, 15 मिनट का बीच में गैप है। फ्री टेस्ट सीरीज इसमें इंक्लूडेड है, जिसके बारे में बच्ची बात कर रही थी। इसके अलावा पर्सनल मेंटोरशिप है जो आपको मिलेगा, आपको पूरी तरीके से गाइड किया जाएगा, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन, नोट्स इंक्लूडेड है, और फ्री रिवीजन बैच भी आपको एंड में मिल जाएगा इसके अंदर। हमारे ऐप पे होता है, कोई जूम गूगल मीट वगैरह पे नहीं होता है। इस तरीके से आपको एक हाथ का सिंबल दिख रहा होगा यहाँ पे, इस हाथ के सिंबल पे क्लिक करके आप क्लास के बीच में बात करके टीचर से डाउट्स भी क्लियर कर सकते हो। चैट के साथ कुछ ऐसा दिखता है मोबाइल में, लैपटॉप में भी आप ज्वाइन कर सकते हो। कुछ फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला ये है कि किसको ये बैच ज्वाइन करना चाहिए। हर वो बच्चा जो 10th स्टैंडर्ड में 90 से ज्यादा परसेंटेज लाना चाहता है, महाराष्ट्र बोर्ड के लिए वो बैच ज्वाइन कर सकता है, सेमी इंग्लिश और इंग्लिश मीडियम का। दूसरा कि क्लासेस लाइव होंगे या रिकॉर्डेड, तो सारे क्लासेस लाइव होंगी, लेकिन हर क्लास की रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी। लाइव खत्म होने के बाद उसकी रिकॉर्डिंग रहेगी पूरे साल आपके पास, आप कितनी भी बार कभी भी देख सकते हो रिविजन पर्पज के लिए, या फिर अगर एक आध क्लास मिस कर दिया तो भी। क्लासेस हमारे ऐप पे होंगी, ये मैं आपको बता चुका हूँ, अभी आपको मैंने एक मोबाइल में फोटो भी दिखाया था, लैपटॉप से भी आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे वेबसाइट पे। लर्नर्स, प्राइज क्या है बैच का और कैसे इनरोल करते हैं? आप इनरोल करने के लिए 2 वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा कि लैपटॉप से करना है तो कैसे कर सकते हो, मोबाइल से करना है तो कैसे कर सकते हो, देख लेना आपको समझ आ जाएगा। इसके अलावा आप इस क्यूआर कोड को स्कैन भी कर सकते हो और सिंपली जो अमाउंट है पूरे साल का 6,000 रुपये वो पे कर सकते हो एंड इस नंबर पर स्क्रीनशॉट भेज देना, या फिर आप इस नंबर पर इंक्वायरी के लिए कॉल भी कर सकते हो, मैं या नीलिमा मैम आपकी पूरी हेल्प कर देंगे। लर्नर्स, इसके अलावा जो बैच का प्राइस है दैट इज 12,000 रुपीज फॉर द इंटायर ईयर, बट अभी 50% ऑफ चालू है फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए, तो एक कूपन कोड है जिसको आप अप्लाई कर लोगे। वीडियो में बहुत डिटेल में बताया कि कैसे यूज करना है, कैसे कूपन को अप्लाई करना है, तो देख लेना। तो जैसे उसको अप्लाई करोगे तो आपको ये मिल जाएगा केवल और केवल 6,000 रुपये में, पूरे साल 2 बैचेस, एक आपका रिविजन बैचेस में मिल जाएगा और साथ ही साथ एक आपका जो बैच है टेस्ट सीरीज या पर्सनल मेंटोरशिप, जो जो बेनिफिट्स बताया था वो सब सारे सब्जेक्ट के लिए। जो पैसा भी मैं बता रहा हूँ 6,000 रुपये, वो एक ईयरली फी है, ठीक है, यहाँ पे मेंशनड है, बच्चे अक्सर पूछते हैं, तो ये पूरे साल का फीस है सारे सब्जेक्ट का ऑफर के कारण, ठीक है। थैंक यू सो मच, आप इसके लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर पे, मैं या नीलिमा मैम पूरी हेल्प कर देंगे, एंड दिस इज माय ईमेल आईडी। अब आप वीडियो को एंजॉय करो और इस वीडियो को शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच। ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, ऐप का, हमारे वेबसाइट का ये नंबर है, सभी कुछ डिस्क्रिप्शन में। एंजॉय द वीडियो एंड डू शेयर द वीडियो। हैप्पी लर्निंग। संस्कृति, आपने सोशल साइंस में 100 नंबर स्कोर किया, यस, कैसे कैसे पढ़ते थे? मैंने क्या किया था, मैंने स्टार्टिंग से ही पढ़ाई की थी सोशल साइंस की। जब स्कूल में पढ़ाया जाता था वो चैप्टर, तो फिर मैं घर पे आके उसे रिवाइज करती थी, उसे हाईलाइट करती थी, एक बार चैप्टर पढ़ लेती थी, दूसरी बार पढ़ लेती थी, और तीसरी बार में मैं उस इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करती थी स्टिक नोट्स की हेल्प से, वो सारी चीजें टेक्स्ट बुक में ही लिख लेती थी। और जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए होते हैं
तो फिर वो ने कुछ गाइड्स या फिर जो मार्केट में अवेलेबल से बहुत से गाइड्स थे, तो फिर मैं उससे पढ़ा करती थी। और नोट्स मैंने हैंडमेड नोट्स बनाए थे सोशल साइंस के लिए, इसलिए मुझे लगता है कि मेरे एमसीक्यूज में वगैरह कुछ मार्क नहीं कटे, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा टेक्स्ट बुक रीड किया था। अराउंड 5 to 6 टाइम्स मैंने रीड किया था टेक्स्ट बुक। सो रीडिंग टेक्स्ट बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट. यस, वेरी इंपॉर्टेंट इन फॉर सोशल साइंस। आपको टेक्स्ट बुक रीड करना ही है, इट इज अ मस्ट। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, क्योंकि उससे आइडिया आ जाता है बीच का क्वेश्चन. वैसे ज्यादा क्वेश्चन तो ऐसा कुछ पूछते नहीं है बोर्ड एग्जाम में, आपने भी ये देखा होगा, नहीं पूछते बीच का सोशल स्टडी में तो नहीं पूछते हैं, बट इट्स इम्पोर्टेंट एट द एंड. नहीं। क्या हमारे एमसीक्यू आई थिंक टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज में से नहीं थे, वो मतलब अंदर में वीकनेस से होगा आए उनमें. थे। यस, हाँ यस। ओके, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर लर्नर्स पूछते हैं, द क्वेश्चन इज कि एक्चुअल मतलब देखो, आपने तो कुछ सब्जेक्ट के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए, सैंपल पेपर्स की बात कर रहा हूँ मैं, कुछ यस सब्जेक्ट के बहुत कम यस सॉल्व किए, बट आपको क्या लगता है कि अब तो एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है, तो आपको क्या लगता है कि एक मिनिमम नंबर कितने पेपर सॉल्व करने चाहिए हर सब्जेक्ट के, एक एवरेज? मुझे लगता है कि 10 पेपर्स, एटलीस्ट 10 पेपर्स अपने सॉल्व किए चाहिए। हमारे स्कूल में भी यही बताया था कि आप लोगों ने सिर्फ एटलीस्ट 10 सैम्पल पेपर्स तो सॉल्व करने ही करने, एग्जैक्टली, गॉट उसके इट. उससे कम नहीं। एंड मैं 10 का आपको एक ना वो बता देता हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा. आपके स्कूल में माइट भी 2 या 3 प्रीलियम्स ले रहे हो, ठीक है, तो उनको भी आप यस सैंपल पेपर में कंसिडर करके चलो. आपने जहाँ ट्यूशन लगाया है, अगर आप हमारे पास पढ़ रहे हो तो हम लेते हैं टेस्ट, ठीक है, तो यहाँ पे 3-4 पेपर हो जाएंगे, तो 6 पेपर तो ऐसे ही हो जाता है. कुछ पेपर्स इंसान को खुद भी सॉल्व करना चाहिए, जिसको हम सेल्फ इवेल्युएट कर सके. आपने किया था ऐसा सेल्फ इवेल्युएशन टाइप के पेपर सॉल्व? यस यस किए थे मैंने। तो ऐसे मैं सॉल्व कर यस सकते हो आप, या आप बोलो जो बोल रहे थे आप. नहीं, मैं वही बोल रही थी कि मैंने सेल्फ इवैल्यूएशन। लाइक सैंपल पेपर स्कूल और ट्यूशन जो देता था, उसके अलावा आपने किसी पर्टिकुलर पब्लिकेशन का यूज किया था, एक कोई भी पब्लिकेशन, कौन यस सा? नवनीत पब्लिकेशंस के किए थे, निकिता पब्लिकेशंस के किए थे, टारगेट के किए थे, और हमारा एक लोकल लोकल का है उससे भी किए थे, मुझे नहीं पता वो। हमारी भी टेस्ट सीरीज को गया था, तो देयर आर मल्टीपल सोर्सेस कुल मिला के, राइट. हाँ अच्छा, यस आपने बताया कि आपके फादर एक टीचर है, राइट. मेरा अगला जो यस क्वेश्चन है यस वो उससे रिलेटेड है कि फैमिली का, ठीक है, और फ्रेंड्स का क्या कंट्रीब्यूशन है संस्कृति के लाइक रिजल्ट में, या फिर संस्कृति के लाइफ में रिलेटेड टू स्टडी? यस फैमिली का तो बहुत कंट्रीब्यूशन है। मेरे पापा ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे हर चीज़ लाके दी। तो फिर मेरे पापा तो मेरे लिए बेस्ट है। मेरे माँ ने मुझे मेरे हेल्थ का ख्याल रखा, मुझे जो चाहिए वो सब मुझे दिया, और मेरी बहन ने भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। जब भी मैं डिमोटिवेट फील करती थी तो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाती थी, और उनके एक्सपीरियंस से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन फील होता था। मेरी माँ भी मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती थी, और मेरे पापा तो ही इज़ लाइक एवरीथिंग। उन्होंने मुझे बहुत इंटरेस्टिंग. ज़्यादा गाइड किया, पहले से ही उन्होंने मुझे गाइड किया, उन्होंने ही सब कुछ पढ़ाया। जो आज मैं हूँ सिर्फ मेरे पापा के वजह से हूँ। यस मेरे पापा, यस आई एम सो हैप्पी टू हियर दैट. लाइक सच में यस पेरेंट्स का और जो हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. एंड देखो, जब आप प्रिपेयर कर रहे होंगे ना, जितने भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं आज, सब डिमोटिवेट होता है किसी ना किसी पॉइंट पे. मैं भी होता हूँ, ठीक है, मैं आज काम कर रहा हूँ, एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल के साथ हम कभी काम नहीं कर सकते, कभी हम डिमोटिवेट होंगे, कभी बहुत हाईली मोटिवेटेड रहते हैं, राइट. और संस्कृति अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात करती थी एंड सी यूज्ड टू फील रिचार्ज, फिर से वो मोटिवेटेड हो जाती थी. दैट्स गुड. संस्कृति, यस नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपने हैंडमेड नोट्स खुद के बनाए थे? यस मेरे सारे सब्जेक्ट्स के हैंडमेड नोट्स थे। मैंने सारे सब्जेक्ट के हैंडमेड नोट्स, स्पेशली साइंस के, मैंने बहुत ज़्यादा हैंडमेड नोट पे जहाँ बहुत ज़्यादा फोकस किया था। गुड. एंड व्हाट डू यू फील कि लाइक जो होते हैं ना, कि अभी जैसे मान लो मेरा यूट्यूब चैनल है, बच्चे अक्सर बोलते हैं कि सर नोट्स दे दो, हैंडमेड नोट्स दे दो, तो क्या अगर मैं नोट्स अपने हाथ से लिख के देता हूँ तो उसका कोई सेंस है, या फिर खुद से बनाए हुए नोट्स बेटर होते हैं उससे? मेरा मानना यह रहेगा कि आप खुद के हैंडमेड नोट्स बनाइए, क्योंकि जब हम नोट्स बनाते हैं तो हम पूरे लाइन टू लाइन पढ़ते हैं कि यार ये इम्पोर्टेंट होगा, ये इम्पोर्टेंट होगा, तो फिर हम क्या करते हैं, वो नोट्स बनाने के लिए टेक्स्ट बुक ज़्यादा से ज़्यादा रीड करते हैं। तो फिर मेरा ऐसा मानना रहेगा कि हैंडमेड नोट्स बनाओ,
उससे आपका जो चैप्टर्स है, आपके जो टेक्स्ट बुक है, वो ज्यादा से ज्यादा और अच्छी तरीके से रिवाइज होता है। ठीक है, आप दूसरों को भी नोट्स ले ले सकते हो, उससे पढ़ सकते हो, लेकिन वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं है कि इतना ज्यादा। क्योंकि यस, वो जो नोट्स होते हैं फिर ना, वो हमारे दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। अगर आज मैं आपको संस्कृति के नोट्स का पीडीएफ बनवा के दे दूं, तो वो संस्कृति के नोट्स है, उसको पता है कि उसने क्या पढ़ के, क्या समझ के, क्या लिखा, राइट? वो आपको नहीं पता होगा, दैट कैन एक्चुअली बी अ बिग प्रॉब्लम टू यू। अगला सवाल मेरा ये है कि आपके लिए इजी सब्जेक्ट्स और हार्ड सब्जेक्ट कौन से थे, मतलब कैसे आप बोलोगे ये इजी ये हार्ड? नंबर्स के हिसाब से तो मुझे कोई भी हार्ड नहीं लग रहा है, बट स्टिल जो आपको लगता था। मुझे मराठी बहुत ज्यादा हार्ड लगती थी। ओके मैं मराठी में बहुत ज्यादा वीक, अभी भी वीक हूँ। ओके मुझे मराठी लगती थी। उसके बाद मुझे सोशल साइंस भी बहुत ज्यादा हार्ड लगता था, बट इट्स लेकिन हंड्रेड ऑन हंड्रेड। मैंने कैप्टन ओके वहां पे 100 में से 100 मिला है, एंड आई थिंक यस यस मराठी इज द सो मिला लोएस्ट है। मार्क्स जो आपके मार्कशीट में रिफ्लेक्ट होता है, 86 मार्क्स, राइट? मराठी में सबसे कम नंबर है आपके, राइट? तो फिर मराठी में तो वीक हुई। सोशल साइंस में भी बहुत ज्यादा वीक थी मैं 10th की स्टार्टिंग में, लेकिन मैंने बहुत ज्यादा फोकस किया सोशल साइंस पे, बहुत ज्यादा वर्क किया, इसलिए आई थिंक मुझे 100 out of 100 मिल गए। तो फिर मेरा ऐसा मानना रहेगा कि जिस सब्जेक्ट पे आप ज्यादा फोकस करोगे, उस पे ज्यादा वर्क करोगे, तो आपको 100% मिल सकता है। ऐसा कुछ नहीं कि आपको इसी सब्जेक्ट में अच्छे नंबर्स आएंगे, ऐसा नहीं है। एग्जैक्टली, एंड व्हाट आई फील फ्रॉम माय एक्सपीरियंस कि साइंस, मैथ, सोशल स्टडी, संस्कृत, ये जो सब्जेक्ट है, इसमें बहुत सारे बच्चे 100 out of 100 ले आते हैं। कुछ लोगों का कॉम्बिनेशन ऑफ रिजल्ट में 100 out of 100 होता है, कुछ लोगों को, जैसे अभी संस्कृति को 2 सब्जेक्ट में 100 out of 100 है, तो वैसे बहुत सारे बच्चे ये 4 सब्जेक्ट में 100 out of 100 लाते हैं, अगर वो सच में अच्छे से पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वगैरह है। तो एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन लेता हूँ मैं आपके लिए, ठीक है? मतलब बड़ा ही इमेजिनरी सा, विचित्र सा प्रश्न, कि अभी आपका रिजल्ट 100% है, ठीक है? आपने जिक्र किया कि जब आप प्रॉब्लम में पड़े तो आपने ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में टीचर्स की हेल्प ली, लेकिन लेट्स टेक अ सिनारियो जहां पे ऑनलाइन वाली चीजों को कंप्लीटली हटा देता हूं मैं आपके लाइफ से, कि 9th और 10th, या फिर 10th मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, कुछ ऑनलाइन नहीं है, यू हैव टू बी ओनली डिपेंडेंट ऑन स्कूल, और बाकी जो चल रहा था वैसा ही चल रहा है, ऑनलाइन है ही नहीं कुछ, तो इज इट पॉसिबल कि फिर भी 100% स्कोर किया जा सकता है? नो, इट इज नॉट ऑनलाइन पॉसिबल ऑनलाइन इज भैया। इम्पोर्टेंट। यस, ऑनलाइन इज वेरी इम्पोर्टेंट। स्टेप्स होते हैं उसका, जब वर्चुअल वीडियो देखते हैं, उसके एनिमेशंस देखते हैं ना, तो फिर राइट वो ज्यादा से ज्यादा समझ में आता है। लेट्स टेक के ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसलेशन है, राइट प्रोटीन सिंथेसिस जो है, वो ज्यादा से ज्यादा एनिमेशंस के द्वारा बहुत ज्यादा समझ में आता है। तो फिर मुझे तो ऐसा लगता है कि ऑनलाइन नहीं होता तो मेरे 100% आते ही नहीं। यस, वाज दैट वन शॉट वाले हेल्पफुल? सारे वीडियो देखे थे। सारे यस, इट इज वेरी वेरी यूजफुल। मैंने आपको बताया कि फरवरी में मैंने रिवीजन की, तो फिर मैंने कंप्लीट सिलेबस भी किया, वो सिर्फ आपके वन शॉट वीडियो से ही मैंने थैंक पूरा सिलेबस कंप्लीट किया था साइंस का। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस वन शॉट यू। वीडियोस। वही उसका एक्चुअल गोल वही था, साल भर मेहनत करने का। चलो, तो आई कैन अंडरस्टैंड दैट। सो जो अभी जो बच्चे हमसे सीख रहे हैं, जो यूट्यूब पे जो आपको देख रहे हैं, या फिर जो मेरे बैचेस वगैरह में देखें, ट्रस्ट मी, राइट? काम अच्छा किया हुआ है। यस ओके, थैंक यू यस, सो मच। एक ब्लाइंडली ट्रस्ट यू सर। ओके थैंक यू सो मच। सो एक बहुत प्यारा सा सवाल है जो एक हमारे लर्नर ने डाला था गूगल फॉर्म में, कि सर प्लीज ये टॉपर से पूछना, ठीक है? एंड द क्वेश्चन इज कि टॉपर्स का सीक्रेट मंत्र क्या होता है? व्हाट इज योर मंत्र? ऐसा कोई सीक्रेट मंत्र नहीं होता है, इसे टॉपर्स का कोई सीक्रेट मंत्र वगैरह। लेकिन हाँ, आपको पढ़ाई करनी है, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके टीचर्स पे आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट करना है, वो जो बता रहे हैं उसे फॉलो करना है, और ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट्स आपको अपने क्लासरूम में ही क्लियर कर लेने चाहिए, क्योंकि आपको सेल्फ स्टडी के लिए ज्यादा टाइम नहीं मिलता है। 10th में बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल होता है, तो फिर आपको क्लासरूम में ही आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेने चाहिए। सो द एक्चुअल मंत्रा इज डेली, रोज पढ़ना पड़ेगा। आप ट्यूशन में पढ़ रहे हो या फिर जहां भी आप पढ़ रहे हो, वहां पे उस चीज को वहीं पे खत्म करो, डोंट प्रोक्रेस्टिनेट। कंसिस्टेंसी इज द की, क्योंकि आई बिलीव कि मैं जितने भी 4, 5, 2, 3 जितने भी बच्चों का इंटरव्यू लू, एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, संस्कृति मैंने आपसे कुछ दिन पहले बात किया था, ठीक है? आपने रिजल्ट शेयर किया, उसके बाद फिर हमने बाद में बात भी किया। मैं क्यों इंटरव्यू नहीं ले पा रहा था, मैं आपको बताता हूँ। इतने सारे बच्चे अभी मेरे पास है,
जिनके इतने अच्छे नंबर है, 100% वाले भी है जैसे आप वैसे और भी है, ठीक है, और 99%, 97%, 98%। अब मैं कंफ्यूज हूँ लिटरली कि मैं किसको इंटरव्यू में लाऊं किसको नहीं लाऊं, क्योंकि अगर एक को लाता हूँ दूसरा नाराज होता है, दूसरे को लाता हूँ तो तीसरा नाराज होता है। सो मैं सच में इस चीज को लेकर के बहुत, मतलब वो कहते हैं ना, दुविधा में हूँ, ठीक है, दुविधा नहीं, बहुत सारे विधा में हूँ मैं। सो दैट इज द रीजन कि मैं नहीं कर रहा था ये, बट स्टिल आई हैव प्लान, मैंने कुछ सोचा है कि कैसे किया जा सकता है इसको। आपका वीडियो पहले जाएगा, लेट्स सी आगे क्या होता है। सो जितने भी बच्चे जो टॉपर्स हैं, मैंने मोस्टली सबसे बात किया है, ठीक है, जानता हूँ मैं उन लोगों को, ठीक है, जब वो पढ़ रहे थे तो मेरे पास थे बहुत सारे लोग जिनसे मेरी इंटरेक्शन होती थी। कंसिस्टेंसी इज द की, मैं आपको बता दूंगी, बहुत सारे लोग जिनको मुझे लगता था ना कि ये बच्चा बड़ा स्मार्ट है, लेकिन वो उतना प्रकार का नंबर नहीं ला पाए, एंड द रीजन इज कि कंसिस्टेंट नहीं थे वो। एक और सवाल है जो लर्नर्स ने पूछा है, ठीक है, एंड आई फील कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो आई हैव एडेड कि जब आपका एग्जाम चालू था, ठीक है, तब आप कितनी देर पढ़ते थे? एग्जाम चालू था तो मैं ज्यादा पढ़ती नहीं थी। 5 to 6, 7 hours तक पढ़ती थी एग्जाम्स में, क्योंकि मैंने हर ऑल सिलेबस मैंने पहले से ही कवर कर लिया था। और जब भी यूनिट टेस्ट वगैरह होते थे स्कूल में, तो अब मैं रात भर पढ़ती थी। कभी कभी तो सोती ही नहीं थी, रात भर पढ़ती थी, सुबह भी पढ़ती थी, सिर्फ पढ़ती थी एग्जाम्स के टाइम में, यूनिट टेस्ट वगैरह। और बोर्ड एग्जाम्स के टाइम में इतना कुछ मुझे प्रेशर नहीं आया था कि यार ये मेरा रह गया, इसे पढ़ना है। मैंने सारा सिलेबस कवर कर लिया था, तो मैं बोर्ड एग्जाम्स के टाइम में मुझे कुछ भी टेंशन नहीं था, सिर्फ पेपर को जाना, पेपर दे के आना, इतना ही था। गॉट इट। सो लास्ट टू क्वेश्चंस, ना एक्चुअली थ्री, एक दिन में कितने सब्जेक्ट पढ़ते थे आप, मतलब रेगुलर, या एग्जाम के टाइम में तो ऑब्वियसली जो एग्जाम होगा उसके लिए हम पढ़ेंगे, एंड जब ये कह रही है 7 to 8 hours ना, तो मतलब ये है कि एग्जाम के टाइम में छुट्टियां हो जाती है बोर्ड की, राइट? तो आपके पास छुट्टी होता है, पूरा दिन होता है आपके पास, क्योंकि किसी के मन में शायद ऐसा आएगा कि यार मेरे पास तो इतना टाइम ही नहीं है पढ़ने के लिए, मैं 8 घंटे पढ़ूं कैसे, राइट? सो जब छुट्टियां होती है तो इंसान आराम से 7-8 घंटे पढ़ सकता है, ठीक है, पढ़ना भी चाहिए, उससे आपकी बैकलॉग क्लियर हो जाते हैं और एग्जाम के टाइम में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कमिंग टुवर्ड्स द एक्चुअल क्वेश्चन, कि नॉर्मली आप एक दिन में कितने सब्जेक्ट पढ़ते थे? मैं नॉर्मली मैंने टाइम टाइम पीरियड रखे थे हर सब्जेक्ट के लिए। तो फिर मैं क्या करती थी, 1 hour इस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए, लेट्स टेक 1 hour में साइंस के टेक्स्ट बुक पढ़ती थी, और जो भी स्कूल में हुआ है उसे रिवाइज करती थी। मैथ के लिए 1.5 घंटा 2 घंटा पढ़ती थी, प्रैक्टिस करती थी। सोशल साइंस के लिए 1 से 1.5 घंटा बहुत ज़्यादा हो गया, वही पढ़ती थी। सोशल साइंस के, आप मैंने बताया कि मेरा सोशल साइंस वीक था, इसलिए मैं उस पर ज़्यादा फोकस करती थी, उसे बहुत ज़्यादा टाइम देती थी। और संस्कृत का ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ कुछ लर्न करना होगा या स्कूल से कोई होमवर्क मिला होगा तो वही करती थी। और लैंग्वेजेस को इतना मैं ज़्यादा फोकस नहीं करती थी, लैंग्वेजेस, क्योंकि लैंग्वेजेस तो एग्जाम्स के टाइम पे कवर हो जाते हैं अगले अगले दिन ऐसे। Got it. So now the question is कि अगर let's say once again एक imaginary question कि आपको क्या लगता है, अब जो हो गया वो तो सच है, ठीक है, but what do you feel after giving 10th standard and scoring the percentage, कि ज्यादा self study is very important, right? स्कूल ये वो सारी चीजों में self study बहुत compromise होता है, revision करने के लिए time नहीं मिलता, right? Procrastinate करते हैं। एक स्टूडेंट के ज्यादा चांसेस कब है अच्छे नंबर स्कोर करने के, जब वो ऑनलाइन पढ़ रहा है पूरी तरीके से, ऑनलाइन पे डिपेंडेंट, और थोड़ा बहुत जो स्कूल ऑफलाइन वगैरह जा रहे हैं वो, या फिर जब वो ऑफलाइन पढ़ रहा है, ज्यादा टाइम उसको कब मिलेगा सेल्फ स्टडी में? ज्यादा टाइम जब आप ऑनलाइन पढ़ोगे तो आपको ज्यादा टाइम मिलेगा, ऑफलाइन पढ़ोगे तो वहां पे जाना, आपको पढ़ना कंपलसरी होता है कि कोई इम्पोर्टेंट नहीं है यार। ये जो कॉन्सेप्ट है वो ज्यादा पूछी नहीं जाती है एग्जाम में, फिर भी आपको जाना पड़ता है, फिर भी आपको पढ़ना पड़ता है, वही हंसी मजाक होती है तब भी आपको पढ़ना पड़ता है, वही वहां पे जाके बैठना पड़ता है, कुछ टाइम वेस्ट हो जाता है। लेकिन ऑनलाइन ऑनलाइन में ऐसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ पढ़ाया जाता है। और आपको ये कॉन्सेप्ट है, लेट्स टेक, ये ज्यादा एग्जाम में पूछा नहीं जाता है तो आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन ऑफलाइन में ऐसा होता नहीं है। आई गॉट इट, फिर आपने बहुत मेरा सही ऐसा जवाब मानना दिया, रहेगा कि ऑनलाइन वाले स्टूडेंट को ज्यादा टाइम मिलता है सेल्फ स्टडी के लिए, तो फिर वो एडवांटेज ज्यादा स्कोर कर सकता है। राइट, उनके पास एक अलग से एडवांटेज है। सो एनी लास्ट, आप कुछ बोल रहे थे अभी? नहीं नहीं ओके,
कोई ऐसा लास्ट मैसेज जो आपको लगता है कि आप अपने छोटे भाई बहनों को देना चाहते हो, अपने जूनियर्स को? हाँ तो फिर मैं ये सब मैसेज देना चाहूंगी कि आप कंसिस्टेंसी रखो। मेरा ऐसा मानना रहेगा कि आप जो टेक्स्ट बुक के बाहर आपको रीडिंग करनी चाहिए, बहुत से बुक्स पढ़ लेने चाहिए, जो कि मैंने किया था। जब भी मुझे डिमोटिवेट फील होता था और कोई बड़ी प्रॉब्लम आती थी, तो मैंने बहुत ज़्यादा बुक्स रीड किए थे लॉकडाउन में। इसके लिए वो मैं उसे बहुत इजी तरीके से फेस कर सकती थी। लेट्स टेक, मैंने बायोग्राफी पढ़ी थी एलॉन मस्क की, उसके बाद 5 AM क्लब पढ़ा था, ग्रोथ एंड थिंक एंड ग्रो रिच, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, देन रिचेस्ट पर्सन इन बेबिलियन, मंक हू सोल्ड हिज फरारी, एवरी अराउंड मैंने 40 to 50 बुक्स रीड किए थे सिर्फ 2 साल में, ऐसे बड़े बड़े। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि मेरे थॉट प्रोसेस बन गई कि मुझे ये प्रॉब्लम है तो मैं इस तरीके से फेस कर सकती हूँ। लेट्स से हमने हमने बायोग्राफीज पढ़ी होगी, तो फिर ये उनके जीवन में कोई प्रॉब्लम्स जो हमारे जीवन के सेम टू सेम है, तो फिर आपको पता चलता है उसे फेस कैसा करना है। तो फिर मैं कभी कभी मेरा शेड्यूल खराब हो जाता था कि कोई कारण से मैं उसे फॉलो नहीं कर पाती थी, तो फिर मुझे ये बुक की ये लाइन याद आती थी और मैं उसे फॉलो कर सकती थी और मैं उसे अप्लाई करती थी अपने लाइफ में और उसे उस ट्रैक को उस प्रॉब्लम को फेस करती थी। तो फिर मेरा ऐसा मानना रहेगा कि आपको भी थोड़े से ज़्यादा बुक्स रीड करने चाहिए और कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सेल्फ स्टडी करना चाहिए, उसके बाद आपके टीचर्स जो बता रहे हैं उसे फॉलो करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट अपने आपके क्लासरूम में ही कवर कर लेने चाहिए, और जो गलत गलत लोग होते हैं, गलत फ्रेंड्स होते हैं, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा दूर रहना चाहिए। राइट अच्छे इंसान के साथ रहिए, जो आपके टॉपर फ्रेंड्स हैं उनके साथ डिस्कस कीजिए, आपके फैमिली फैमिली जो बता फैमिली मेंबर जो बता रहे हैं उसे फॉलो कीजिए, और आपके पेरेंट्स आपको कभी भी गलत राय नहीं देंगे, तो आपको पेरेंट्स की सब सब मतलब सब बातें माननी चाहिए आपके पेरेंट्स की। तो फिर मेरा ऐसा ही रहेगा कि आपको फैमिली फ्रेंड्स उन सब की बातें माननी चाहिए, टीचर्स को फॉलो करना चाहिए। एंड संस्कृति ने जो बोला कि जब वो बुक्स के बारे में बोल रही थी, सी मिंटू से कि एक्स्ट्रा बुक पढ़ो, एक्स्ट्रा बुक से ये नहीं है कि साइंस का दूसरा बुक लेके पढ़ो, सी वाज सेइंग कि अपने सिलेबस के बियॉन्ड कोई बुक पढ़ो जिससे आपको एक अलग पर्सपेक्टिव मिले, राइट, एक नई सोच डेवलप हो आपके अंदर, आपको नई लाइफ के बारे में पता चले कि कोई और कैसे जी रहा है, कैसे किसी चीज को कर रहा है, कैसे कोई प्रॉब्लम को टैकल कर रहा है। कुल मिला के बुक्स जब हम पढ़ते हैं तो हमारा जो नॉलेज का हॉरिजॉन है वो बढ़ता है, हमारा दायरा बढ़ता है सोच का, एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है। एंड विद दैट संस्कृति, थैंक यू सो मच। संस्कृति ने बहुत अच्छा नंबर स्कोर किया है, दिस इज द मैक्सिमम जो एक 10th स्टैंडर्ड में इंसान स्कोर कर सकता है, एंड सी हैड डन दैट। आप भी इस तरीके का स्कोर कर सकते हो लर्नर्स, हमारे बहुत सारे बैचेस होते हैं, हमारे यूट्यूब पे बहुत सारे फ्री वीडियोज डाले हुए हैं, ठीक है, अगर आप बैचेस अफोर्ड कर सकते हो तो यू कैन ज्वाइन बैचेस, अगर आप फ्री वीडियो से पढ़ना चाहते हो तो सर्च करो कोई भी चैप्टर और आगे शिवम झा लिख दो, आपको मिल जाएगा। ऐसे अगर आप भी एक टॉपर है तो आप भी इस इंटरव्यू में आ सकते हैं, जस्ट मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम, मेरा इंस्टाग्राम का आईडी नीचे रहेगा, एंड थैंक यू सो मच, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, हैप्पी लर्निंग।